हेलो एवरीवन, इकोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स के सीक्वेंस में आज हम स्टडी करेंगे अबाउट दी वाइल्ड लाइफ। तो आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितने भी फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि जंगल में हैं, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ। जो भी अपने नेचुरल होम्स में या नेचुरल सराउंडिंग्स एरिया में रहते हैं तो उनको हम कहते हैं उनका नेचुरल हैबिटेट। और ये सभी मिल के क्या बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ बनाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक एक्ट बना था जिसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तो ये वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं और कई सारे इसके पैरामीटर्स से इसके अकॉर्डिंगली वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अगर अपन वाइल्ड लाइफ को डिफाइन करेंगे तो इसके आधार पर ये कहता है कि वाइल्ड लाइफ इंक्लूड करती है जितने भी एनिमल्स हैं, कोई भी एनिमल है तो वो सभी वाइल्ड लाइफ में आएगा। इसके अलावा बीज हैं जो कि हनी बी जिसको कहते हैं, बटरफ्लाइज हैं, क्रस्टेशियन हैं, फिश, मोथ, एक्वेटिक और जितनी भी ज़मीन पर या एक्वेटिक पे वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे हैं, वो सारे जो कि अपने हैबिटेट में पाए जाते हैं उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, वाइल्ड लाइफ के अंदर। अगर लाइव एग्जांपल इनके देखें तो जैसे हैं लॉयन है, डियर, क्रोकोडाइल, वेल, ट्री है, श्रब्स हैं एक्सेट्रा। अब वाइल्ड लाइफ के हमारे लिए बेनिफिट क्यों हैं या इसकी स्टडी या कंजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ के हम सब जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ सबसे पहला एक इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, फूड चेन बनाता है, फूड वेब बनाता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जितनी भी एनर्जी साइकिल डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे चलती हैं तो वो एक पार्ट है किसका, वाइल्ड लाइफ का, जिस पे फाइनली लाइफ किसकी डिपेंड है, हमारी ये ह्यूमन बींग्स की। और जितने भी एनवायरनमेंट कि स्टेबिलिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, अगर एनवायरनमेंट स्टेबल होगा तभी ह्यूमन की लाइफ स्टेबल होगी। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है, यदि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ, तो अब जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको हम क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो क्या रीज़न है कि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। तो उसके रीज़न ये है कि वाइल्ड लाइफ को कई तरह से खतरा है। तो वो जो खतरा है ये हम कह सकते हैं थ्रेट्स वाइल्ड लाइफ को इम्पॉर्टेंट कौन से हैं। तो सबसे पहला थ्रेट है वाइल्ड लाइफ को, वो है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब है हैबिटेट यानी कि जहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स जो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो उस प्लेस को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो रही, बढ़ रही है, तो उनको रहने के लिए अपने एरिया की अर्बनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो शहरीकरण करते हैं जंगलों को काट के। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, देन जितने भी मॉडर्न ज़रूरतों के हिसाब से फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन लिविंग एरियाज़ में। इसकी वजह से वहाँ के रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल है उनका लॉस हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं हैबिटेट लॉस जो कि प्राइम फैक्टर है किसके लिए, वाइल्ड लाइफ की थ्रेट के लिए। सेकंड जो है इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग। इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग मतलब जो हम एनिमल्स को मारते हैं, किल करते हैं, किसके लिए, उनके मांस के लिए, उनके हॉर्न के लिए, जैसे कि एलिफेंट का जो सींग है, और फर के लिए, उनकी जो ऊपर की कवर है बॉडी की, टस्क है जैसे हिरन है उसके टस्क, उन सब के लिए जो एनिमल किलिंग होती है उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। देन है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीशीज़। एक्जोटिक स्पीशीज़ का मतलब विदेशी जो भी जाति प्रजाति के जो एनिमल जंतु हैं जो कि हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ की जो बेसिक या बरसों से रहने वाली एंडेमिक स्पीशीज़ है उनके ऊपर ख़तरा बन जाते हैं, या तो वो उनको किल कर देते हैं या उनका हैबिटेट को हत्या लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है, और ये एक्जोटिक स्पीशीज़ क्या करती है, वहाँ सर्वाइव करने लगती हैं। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है सी लैम्प्रे।
नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हम जानते हैं कि अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस पॉल्यूशन। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचाने में। और उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक्वेटिक हैबिटेट जो है वो पॉल्यूशन की वजह से कैसा हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर इस तरह का एनवायरनमेंट पॉल्यूशन या इंडस्ट्री से किसी एरिया में बनता है, सी के अंदर बनता है, तो वो किस तरह से टॉक्सिसिटी पैदा करता है उस पानी के अंदर, और किस तरह से वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जो उनकी फ्लोरा है, फौना है, वो क्या होते हैं परमानेंटली इस टॉक्सिन्स की वजह से और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाते हैं, परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो अब जो वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला तो ब्यूटी, जो ब्यूटी है वो सुंदरता, हम जान सकते हैं कि जो ब्यूटीफुल एनिमल्स जितने भी अर्थ पे, जितने प्लांट्स है, फ्लावर थे, वो हमारे अर्थ की क्या कर रहे हैं, ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू कि हमें उसको उन सबसे फ़ायदा क्या हो रहा है। तो इकोनॉमिकली हम जानते हैं कि जितने भी वुड हैं, लकड़ी है, टिम्बर, फर, टस्क, आइवोरी यानी कि लेदर, और जो हनी हमको मिल रहा है वो सब हमें कहाँ से मिल रहा है, वाइल्ड लाइफ से, वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स से। साइंटिफिक वैल्यू अगर इसके अंदर हम देखें तो ये एक तरह से जीन पूल जो है उसको एक ब्रीडिंग प्रोग्राम, अगर जो भी साइंटिस्ट हैं हमारे, जो हम कुछ खोज करना चाहते हैं प्लांट्स के ऊपर, या कोई नई मेडिसिन बनाना चाहते हैं, या किसी एनिमल पर हम एक्सपेरिमेंट लगाने चाहते हैं, ये फिशरीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री पे जो हम जितने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से हम एक बेटर फूड या बेटर जो भी हम मेडिसिन वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वाइल्ड लाइफ की क्या है, साइंटिफिक वैल्यू भी है। नेक्स्ट है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो पूरा जो बैलेंस है नेचर का वो कौन मेंटेन कर रहा है, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इको टूरिज्म, इको टूरिज्म का मतलब ये कि जो हम इन विजिट करते हैं या इकोलॉजिकल पर्पस से इन जंगल्स में या फिर इस एरियाज़ में अपने एंटरटेनमेंट के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए। कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन। तो जो वाइल्ड लाइफ जो डिस्ट्रक्ट हो रही है उसके जो मेन कॉजेज क्या हैं, तो सबसे पहला हमने देख लिया कि हैबिटेट लॉस जो है इसका जो मेन कारण है, जिसकी वजह ह्यूमन डिमांड्स की वजह से जो एक्सेसिव हैबिट है इनका क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। और रेन फॉरेस्ट जो है दुनिया में या वर्ल्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मेन हैबिटेट है इन प्लांट्स एंड एनिमल का, सघन जो वन है वो वाले, जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो किस लिए क्लियर कर रहे हैं या हम उसको किस लिए काट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स बहुत है, तो वहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, उसके वुड, लकड़ियाँ हैं या फिर टिम्बर है या डिफरेंट पेट्रोलियम या मिनरल रिसोर्स के लिए हम वहाँ के प्लांट्स को यूज़ करते हैं। सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर जो है वो हैबिटेट लॉस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पीसीज एक्सटिंक्शन से, यानी कि किसी भी प्लांट या एनिमल की अगर हैबिटेट को हम डिस्टर्ब कर देंगे तो वो वहाँ से परमानेंटली उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, यानी कि वो प्रजाति लुप्त हो सकती है। नाउ देर आर 20% लेस फॉरेस्ट कवर देन एग्जिस्टेड 300 ईयर्स एगो, यानी कि आज के टाइम पे 300 साल पहले के कंपेयर में हम देखें तो 20% वन कम हो चुके हैं, यानी कि इतना सारा हैबिटेट लॉस हो चुका है, इतना सारा हैबिटेट डिस्ट्रक्ट किया जा चुका है वाइल्ड लाइफ का। पोचिंग एंड हंटिंग देख लिया हमने किस तरह से एनिमल्स को हम किल करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, या तो उसकी जो ऊपर की जो फर है वो उसके लिए, या इनके टस्क आप देख सकते हैं इसका जो सींग है वो काट लिया गया है। तो इस तरह से ये एनिमल्स करोड़ों रुपए में या फिर हज़ारों रुपए में इनके जो पार्ट्स है उसको सेल करते हैं, इस वजह से इनको एनिमल्स की किलिंग होती है इलीगल तौर पे। तो इसलिए जो वाइल्ड लाइफ के एक्ट बने हैं वो सारे किसके लिए हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से। दूसरा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारे रीजंस तो हमने जो पढ़े हैं वो मेन मेड हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, तो ये भी रेस्पॉन्सिबल है वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन के लिए या वाइल्ड लाइफ के नुकसान के लिए। पॉल्यूशन हमने देख लिया कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, देन इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव या एक्जोटिक या विदेशी जो भी प्रजाति उसका, देन फार्मर रेंचर शूटिंग, जो फार्मर जो हैं वो क्या करते हैं कि उनके खेतों के अंदर जो भी प्लांट्स अगर या खेती करते हैं लगाते हैं, तो जो भी बाहर के एनिमल्स हैं उनको परेशान करते हैं तो वो उसको शूट कर देते हैं, उनको मार देते हैं, जैसे कि नील गाय है या जब मोर है वो क्या करते हैं कि फसल को बर्बाद करते हैं। तो इसलिए किसान क्या करते हैं उनको मार देते हैं, शूट कर देते हैं।
इफ़ेक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन, तो वाइल्ड लाइफ अगर इस तरह से डिप्लीट होती रही, ख़त्म होती रही, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे ज़िंदगी पे, अर्थ पे क्या रहेगा। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट हम देखेंगे कि अनबैलेंस फूड चेन एंड इकोसिस्टम। तो जो हमारा इकोसिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कि जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से क्या चल रहा है, पूरा ये लाइफ साइकिल, ये लाइफ चल रही है अर्थ के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से हर एक एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। रिडक्शन इन रेयर वाइल्ड एनिमल्स, कई सारे जो रेयर वाइल्ड एनिमल है, रेयर का मतलब जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो वो परमानेंट लॉस्ट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आज एनिमल्स हम देख रहे हैं, हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी उन एनिमल्स को ना देख पाए। इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इसका क्या आएगा, बहुत गलत इफेक्ट आएगा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो अलग अलग तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो उस एरिया को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के मामले में ये रिच है, तो उसमें कमी आ सकती है। लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, इसी तरह से इकोनॉमिकली भी हमें इससे काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि इकोनॉमिक, हमारी जो इकोनॉमी है किस पर डिपेंड है, इन प्लांट्स पे या फॉरेस्ट के ऊपर। डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, तो कंसिक्वेंटली ये सारी चीज़ें अगर लॉस्ट हुई, तो इसके लिए खतरा सबसे बड़ा किसके ऊपर बनेगा, क्योंकि ह्यूमन पे बनेगा, इंसानों के ऊपर बनेगा, क्योंकि इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली किन के ऊपर डिपेंड है, इन वाइल्ड लाइफ पे या फिर प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। लॉस इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी जीन पूल की, तो उतना ज़्यादा डाइवर्स होगा, और अगर इसमें कमी आएगी, तो हमारे एक तरह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसे कि मेजेस्टिक एलिफेंट, स्वैम्प डियर, द इंडियन बिसॉन, हिस्पिड हेयर, ब्लू वेल, स्नो लेपर्ड, लीफ मंकी और डेजर्ट कैट। सो आज हमने देखा जस्ट एट अ ग्लांस इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।